एंजॉय कर पाएंगे। हाय फ्रेंड्स, समस्त को गुड इवनिंग। मुझे आरती आम यूट्यूब चैनल कलाहांडी बके आपन को वीडियो रे समस्त को बहुत सारा स्वागत करुचे। एटा देखो वीडियो तो तीन दिन तलटा बाकी एंता ट्रैवल कर टायर्ड हो जाए मुझे ब्लॉग करी नहीं कर पारे सेट एडिट करी नहीं पारे। यहाँ घर के आसल आम शनिवार राति आसलू आज मुझे रविवार ए संध्यारे यहाँ भयस भर दूचे। आई वीडियो रे नहीं कि आपण मैंने खाली आर्मी कैंप आर्मी र देखिए आर जिते अच्छे पहाड़िया एरिया देखिए यार बहुत बढ़िया लगा भाई वीडियो। आपके यहाँ पे कितना पड़ेगा? ओ 500-600। अच्छा, यहाँ पे आपका ये गोरखा रेजिमेंट था, उन्होंने बोला कि हमको एक खसी चाहिए मटन, ठीक है ना? तो मैंने बोला मटन तो बहुत महंगा पड़ेगा, हाँ जितना भी महंगा पड़े खाली बीच का काटा बहुत पतला सा रहता है, बिना काटा वाला मसला है, बहुत महंगा है वो। 1600 रुपये किलो है उसका। छुट्टी मनाए और एक कच्चे अंडे को कितना? अंडे कच्चे अंडे अंडा अंडा का दाम 7 रुपये किलो, 7 रुपये पीस है। 7 रुपये पहले 5 रुपये अभी 7 रुपये हो गया। हमारा एरिया में भी वो जो देसी अंडा मिलते हैं ना एक का 20 रुपया है देसी अंडा का। देख आम पहुँची जाइ नथुला पास इंडिया चाइना बॉर्डर के यहाँ मुझे कहला बेल एति धोका पवन बागु थे मुझे सुबुली शुभिया नहीं जाऊँ आईटा मैंने सामने ठिया भितर के एलाओ ना भिड कर दि बिल्डिंग जेने देखुन क्या यहाँ है इंडिया रोटे कैंप आर्मी रोटे कैंप सामना सामने अच्छे बाकी से कैंप्रे से के भी नहीं रहन से आर्मी कैंप तले अच्छे पहाड़ तले मुई नहीं जा पारे न चिलु आर दा जाइए बोले एंता धस धस आर साहस नेबार तकलीफ होता नहीं कहन चिलुआ दा भी एंता कपूर सुंगी सुंगी गल आम कपूर सुंगी सुंगी गल अधा बाट आज्ञा आर मुझ पल आसलु बोले एंता निश्वास बंद हो जाए जे ये रास्ता नहीं देखुन के चीन के जीवाटा बाकी ये सब बंद कराई इनु मात्र 40 किलोमीटर घन आर ये पहाड़ मान को नहीं क्या चीन राँ मैंने भी सब दिशुला आ बहुत बढ़िया भी लगुला मुई इनके गला कि नहीं कि जानली आम आर्मी भाई मैंने के कष्ट सीमार सुरक्षा दूसन जे टैक्सी स्टैंड अच्छे तले आम टैक्सी भी तले अच्छे एत दूर चल जा पड़ा आम हमारा पत्नी श्री आरती देवी आ रहे हैं और पुत्र श्री आशुतोष आ रहे हैं और मेरा जीजू जी आ रहे हैं। तपे इन ये ड्राइवर भाई के
केन जगार से चीन आर्मी मैंने थिले आमर इंडिया आर्मी मैंने थिले बोले एंता फाइटिंग युद्ध करा करी होतले काणा करा होतले सब ही न थाइकरी बतौछन। अरे एंता गोटे लागला से आर्मी कैंप आर्मी मैंने जेन हिसाब से थाइकरी सबके ये करते आम गला टाइम रे नहीं के चिलु मैंने दा मैंने गला बेले अधा बाटे अटकी दे क्या लगे से चीन रो कि गोटे ऊपर ऑफिसर आसत लगे से बंद कराला एत अलर्ट रोते एत आर्मी आसते जे बहुत टे सब गाड़ी मोटर भी स्ट्राइक कर देते। आईटा आम आसी जाइ बाबा हरभजन सिंह मंदिर नाथुला पास बोले इंडिया चाइना बॉर्डर पाखे एका ओटा अच्छे 4-5 किलोमीटर तार पछे अच्छे। आईटा हरभजन सिंह बोले बोले गोटे आर्मी अफिसर थे आर से डेथ हो गले डेथ हो गला पर नहीं क्या 1968 डेथ हो गले सब लोग खोजा खोजी कले तापरे नहीं पाला कि से गोटे ताकर सांग के सपना दे कि इन पड़ी से एंता कर समाधि कर ये कर से कर बोले बोले से आनी कर बसारे एक समाधि दे आउनिक डेथ करी 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 एबे भी से सीमार सुरक्षा दौन किसी भी असुविधा है सीमा उपर भी काणा भी असुविधा है बोले एमनिके जे कौन सी भी आर्मी की से सूचना दौन आ सब सतर्क हो ठीक हिसाब कर आड़ा चिलु आर दादा चाले से इ मंदिर भीतर के बोले जेना तांगर बसा अच्छे आर सेन एटा देखूँ के तर घर आम तो जा नहीं पार आर इन के जे जहाँ भी भक्ति विश्वास सहित तो मानसिक कर सब समस्त पूरण हैसी ये के पूरा अणनिश्वास जीवाटा ये जगह ये जगह भी हेन्दाटा पूरे कपुर धरिकी सुंगवाटा आर नाथुला पास इटा मन को लेकिन आमको केते गुड़े परमिट करवारे पड़ला के डॉक्यूमेंट देवार के पड़ला आईटा देख बाबार चेयर आरु तांकर डायरी तांकर फोटो तांकर बेड बेड भी जिन बेडसीट पकाई सेटा एक अच्छे यूनिफर्म मैंने सूज गन जेनता कि हेन्ता अच्छे बोले आम ही नहीं कहबार हेनर से आर्मी भाई मैंने सब से कहते के यूनिफर्म ये आमको जिते धोले हेले भी सफा नहीं कर सैटा आपे 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 सफा हो जासी खाली आम मैंने चीन मैंने भी चाइनीज आर्मी मैंने भी समस्ते देखीछन आटा भी कहूसन ये हरभजन सिंह लगे बोलकर एक केवे भी हमने इंडिया मैंने नहीं हार चाइनीज सारो इस सबू जहाँ तक जिते सब यूज करते सब देखले आर इ मंदिर इ सब जिन सब मेन्टेनेंस नहीं के सब आर्मी कैंप एका करूछन जहाँ खाबार पीबा खाबारटा कि भी दूछन आ टूरिस्ट मन के भितर अच्छे बहुत भितर कि नहीं टूरिस्ट मन लगे सामने गोटे भी नुआ हरभजन सिंह मंदिर बनाही से देखबार लगे ये पुर्णाटा आम जेन ओरिजिनल अच्छे से निके एका जाइलु जैसे शायद वो दिल्ली से था या मुंबई या उड़िया कहाँ से था चार लोग था बेटा बहु माँ तीन लोग था वो उन लोगों का शादी हुआ करीबन 5-6 वर्ष हुआ ऐसा बोला था। उसका माता जी जो था
बोला था बेटा ऐसे ऐसे मेरा ऐसे ऐसे बोल के ना मेरा बच्चे का वो नहीं हो रहा है क्या हो रहा है। हाँ तो मैंने बोला माता जी ऐसा ऐसा जगह है वहाँ पे हरभजन बाबा जी का मंदिर हरजन मंदिर वहाँ पे आप माथा टेक लीजिए। अब किस्मत है अभी कैसा मेहमान रहेगा एक बार देख लीजिए वहाँ जाके आप एक बार कर लीजिए माथा टेक लीजिए आपका मंदिर तो वहाँ पे लिख लीजिए आप कैसा रहेगा। आप अपना अपना मान्यता है विश्वास में अगर विश्वास ही नहीं करेंगे तो आप जो करेगा विश्वास नहीं करने से आप चाहे आपके सामने भगवान खड़ा क्यों ना हो आपका कोई भी चीज़ पूरा नहीं होता है। तो बाद में मैंने बोला यहाँ पे आकर मेहनत लिख लीजिए आपको शायद में भी हो सकता है हाँ वो किस्मत के ऊपर में भी है शायद में भी आपको दुआ भी लग सकता है क्योंकि यहाँ पे आके वो माता जी ने वो विश लिखा ना उसका पोतो पोते के लिए। तो वैसे होने के बाद में बहुत सारे बात मुझे फोन किया तो बाकी भाई बेटा आपके कारण से मुझे भी अपना पोता पोती को देखने को मिला पोती हुआ उसको मेरा सब लोगों का ऐसा होता होगा नहीं वो तो अभी अपना मन से मान मन से मान लो लेकिन आप बीमा पड़ जाओगे अगर आपको मान लो कि आपको एकदम जुकाम लग गया आप चल ही नहीं पा रहे थोड़ा बीमार हो गया तो आप क्या डॉक्टर से सलाह लेंगे डॉक्टर क्या थे टॉनिक वगैरह टैबलेट वगैरह देंगे आपको मन में क्या लगे डॉक्टर दिखा लिया वो दवा खा लीजिए मैं ठीक हो जाऊंगा वही पॉजिटिव फील आना चाहिए। हाँ, पॉजिटिव फील होने से सब होगा ठीक हो जाएगा। ये अगर आप बोलेंगे दवा खा लीजिए सबसे नजदीक वाला गाँव है ठीक है यहाँ पे आपका लास्ट को यहाँ पे वगैरह मीन्स आपका मोबाइल नेटवर्क रहेगा दोपहर 4 बजे तक रहेगा मैक्सिमम 7 बजे तक रहेगा उसके बाद में नेटवर्क बंद कर देता है क्योंकि यहाँ से बॉर्डर नजदीक है और ये इंडिया चाइना के पास गाँव हाँ जी ये वही तो ये सबसे सिक्किम में पड़ता है ये तुपुक गाँव तो ये गाँव जो है आपका ये सिक्किम में जो चाइना बॉर्डर है उससे सबसे नजदीक वाला गाँव ये तुपुक है सबसे नजदीक वाला गाँव। तो इसको ये बोला जाता है कि यहाँ पे जो भी पूछेगा कि सिक्किम में कौन सा गांव जो है जो ये चाइना बॉर्डर के आसपास है तो उसमें बोला जाता है कुपुक। वो गैंगटॉक से शुरू किया करते 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 लासा पहुंच गया चाइनीज का ना ना ब्रिटिश ब्रिटिश नहीं लासा का बोला जो लासा मीन्स वो पहले ये लासा जो है टिबेट है वो चाइना वाले ऑक्युपाई किया ना 1961 में तब से अभी चाइना के अधीन में है। ओहो लासा जो है टिबेट वगैरह आपने सुना होगा वो टिबेट एक्चुअल में अलग से कंट्री था अलग से कंट्री था चाइना और उस टाइम में ये गए थे ये यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए गए थे ये इसी रोड से ऐसे घूमते हुए पहाड़ के बीच में से पैदल 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 हाँ जी उसको पता नहीं कितना दिन लगा बोला। आपका जो एशियन कंट्री में जो आता है इंडिया वगैरह सभी एशियन कंट्री में सबसे हाई पॉइंट में गल्फ कोर्ट है ये आपका वो जीनस रिकॉर्ड में भी आया हुआ है ये वर्ल्ड जीनस वर्ल्ड रिकॉर्ड पे भी इसका जिक्र है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आज गोल्फ कोर्ट है पानी पियोगे कण कौशल से आर्मी मैंने कंपटीशन कौश आर्मी टूर्नामेंट आजि तो देखिले भिड मैंने आम आर्मी मैंने के रोचन के हरभजन सिंह अच्छे चाइना बॉर्डर अच्छे ये सब जिस मैंने देखले आन जेन म्यूजियम अच्छे से चिल्लु खाली गला मैं टैक्सी में बसीचु आज भिड भी जब बहुत भल लगे मुझे आशा करूँ से जो भल लगला बोले प्लीज लाइक।